नमस्कार, प्रणाम, पहला, कैसे हैं आप सब लोग? और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भावना पहाड़ी में। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो आज है मकर संक्रांति, यानी कि घुघुती त्यार। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से घुघुती त्यार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं तो नहा धो के तैयार हो गई हूँ, बाकी अभी कमरे का कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बिस्तर वगैरह सब हमारा ऐसे ही पड़ा है, मतलब झाड़ू पोछा करना है। मम्मी ने नहा लिया, पापा ने नहा लिया, भैया अभी सोया है, पंकज जी नहाने चले गए हैं, बाकी मम्मी ने चूल्हे में आग जलाई है। फटाफट से पानी गर्म हुआ और नहा लिया। तो जस्ट मैं भी अभी थोड़ी देर पहले उठी, फिर अभी नहा के अब मैं जाके अब झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ, फिर जो मंदिर में दिया वगैरह जलाऊंगी, फिर जाके मम्मी के साथ हेल्प करूंगी त्यौहार बनाने में। और मैं ससुराल गई नहीं, क्योंकि सारी छुट्टियाँ मेरी इस बार यहीं बीती, क्योंकि मेरा बीएड का बहुत सारा काम हो रहा था, तो इस वजह से मैं ससुराल नहीं गई। हालांकि त्यार के दिन जाएंगे सोचा अभी था, मतलब पूरी तैयारी कर ली थी, बट क्या हुआ कि पंकज जी को छुट्टी नहीं मिली, तो इस वजह से हम लोग ससुराल जा नहीं पाए। और मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ ससुराल, तो इस वजह से बस मैं तो घुघुती त्यार बना रही हूँ अपने ही मम्मी के साथ। और पंकज जी जाएंगे आज ड्यूटी करके फिर घर। तो चलिए फटाफट से पहले काम करते हैं, मतलब झाड़ू पोछा करते हैं। ये देखिए हमारा बिस्तर ऐसे ही फैला है, फिर उसके बाद से दिखाते हैं आपको आगे का व्लॉग। तब तक मेरे व्लॉग पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि मेरे व्लॉग बहुत लेट लेट आते हैं, क्योंकि मेरे को टाइम तो हो ही नहीं पाता है, मतलब व्लॉग बनाने का, इस वजह से व्लॉगिंग मेरी हो नहीं पा रही है। तो जैसा भी है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभार बनाऊँ, तो बस आपके साथ तो वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से पहले अपना काम कर लेते हैं, एंड देन फिर मैं आपको आगे का व्लॉग दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, तो अभी हमारा हो चुका है नाश्ता, मतलब हमने त्योहार बना के खा लिया। मैंने बनाया, आधा मेरी मम्मी ने बनाया, आधा मैंने बनाया पूरी वगैरह, और बाकी मेरी भाभी अभी यहाँ पे भाभी का काम चल ही रहा है। भाभी की, भाभी ने पूरियां बना दी है, अभी बना रही है पुए। अभी भाभी ने मेरे को पुआ खिला दिया। चले गए वो? अब घर को ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो घर को चले जाएंगे ना। हेलो दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कल भी कह रही थी उसमें। चलो उठो। अच्छा, मैंने सोचा वो सोचा तो ऐसे गए। जिज्ञासा से पूछा जाता है, जिज्ञासा कितने रुपए हुए आपके? मेरे 260। 260 आज, मतलब बच्चों की वो हो जाती है कमाई, सबकी कमाई होती है। मेरे 200 रुपए, 100 रुपए तेरे पापा ने भी। 100 रुपए दादी। मैं बताती हूँ अपने रुपए, मेरे कितने रुपए हुए। 100 रुपए मुझे पापा ने दिए, 201 रुपए मुझे चाची ने दिए, ठीक है, 100 रुपए मुझे दादी ने दिए, 50 रुपए मुझे भाभी ने दिए, और ऑफिस ने नहीं दिए। नहीं, मेरे से ज्यादा कम है। तुझसे ज्यादा है भाई मेरे रुपए। तो बना लेगी कभी फ्रीज में रख दिया, ज्यादा लग रही। तो बस खाना वाना तो खा लिया, अब कर रहे हैं धूप का इंतजार, क्योंकि पूरे बन गए थे, आसमान में बादल लग गए, तो बहुत धूप हटकर हल्की हल्की आ रही है। स्कूल भी है और फिर अभी कपड़े धोने जाना है हमने। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने घुघुते बना दिए हैं। बहुत मतलब मशक्कत लगती है घुघुते का आटा गूंदने में, तो फिलहाल हमने लगभग लगभग घुघुते बना दिए हैं। देखिए दोस्तों, मेरी भाभी अकेले बना रही घुघुते। थोड़े से बनाओ, उनने उतने बनाए, मैंने कहा थोड़े और बनाते हूँ मैं तो घुघुतो आटा। ये देखो, ये हैं भाभी के घुघुते। होशियार भाभी। ये देखिए, अभी खजूर बनाऊंगी। एक ये भी आई है, इसने घुघुते नहीं बना रखे हैं। भैया मुझे तो हो रहा ठंडा, मैं वहां पे धूप में ले रही थी थोड़ी देर, टाइम नहीं मिल रहा भाई साहब। मैं भी तो सोई थी, मुझे भी नींद आ रही थी, मैं टॉवल लेके घूम रही हूँ, क्योंकि मेरा शॉल हो रहा है। मेरे को जैसे कहते हैं तू बुढ़बड़ी की तरह करती है, मतलब ना कि एक शॉल मेरे को आदत है ना, ऐसे शाम को बताऊं यहाँ हवा चलती है, मैं ऐसे करके डालती हूँ, जेदी कहती है मेरे को आदत हो गई है। अभी मेरा शॉल गीला है तो मैंने टॉवल डाला है। मेरा भी ऐसी होता है। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, खुश रहो, इसके घुघुते बनाने आ जाओ। हाँ यार, मेरे घुघुते शाम कौन बनाएगा, कोई नहीं।
बनाने वाला। मैंने कहा जिसको खानी है बनाओ भी ले भी जाओ, मैं ना किसी को देने वाली ना मैं इतने बनाने वाली। मैं खुद थोड़े से बनाने में मैं तो उब जाती हूँ यार, इतना नहीं बनाया। मैं आई थी यहाँ पे भाभी की हेल्प करने, फिलहाल भाभी ने बना दिए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, एक आध मैं भी बना देती हूँ। सभी मेरे को भी देगी वरना देगी नहीं है। तो इसी के साथ ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।